तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल इतिहास के आज तक के सबसे खतरनाक फिनिशर्स। अभी नहीं बल्लेबाजों को मैंने आईपीएल के सबसे खतरनाक फिनिशर्स के रूप में क्यों चुना है, आपके दिमाग में जेन्युइन सा सवाल आ रहा है। तो देखो भाई, जब किसी भी टीम का बल्लेबाज पारी को फिनिश करने के लिए आता है तो वो नंबर 5, 6, 7 इन तीनों ही जगहों पर ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करता है। बहुत कम केसेस होते हैं कि कोई फिनिशर इससे ऊपर या इससे नीचे बैटिंग करे, इसलिए नंबर 5, 6, 7 इन तीनों ही पोजीशन को मिलाकर सबसे ज्यादा रन आईपीएल के इतिहास में किन किन बल्लेबाजों ने बनाए, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बल्लेबाजों की बात करेंगे। और साथ ही ये वही फिनिशर्स हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में आखिरी के 5 ओवर में सबसे ज्यादा रन ठोके। कौन कौन से वो फिनिशर्स और किस फिनिशर ने सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो में नंबर 1 के पायदान पर अपना नाम लिख रखा है, आइए आपके इस कीमती समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी से आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक फिनिशर्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं शिमरन हेटमायर। शिमरन हेटमायर ने आईपीएल में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए कुल 39 इनिंग खेली अब तक, जिसमें उन्होंने 37.84 की एवरेज से कुल 769 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 3 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 75 रन का है जो कि उन्होंने नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और इसी के साथ भाइयों, आईपीएल में ओवरऑल शिमरन हेटमायर सर का स्ट्राइक रेट डेथ ओवर में 164.85 का है, और इस साल ये हमें राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और वहाँ पे भी ये फिनिशर का रोल ही निभाएंगे। नंबर 9 हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सन ने आईपीएल में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए अब तक कुल 47 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 30.65 की एवरेज से कुल 968 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 4 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 91 रन का है जो कि उन्होंने नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और साथ ही भाइयों, आईपीएल के इतिहास में हार्दिक पांड्या सर का स्ट्राइक रेट डेथ के ओवर में है 182.51 का। साथ ही हार्ड हिटिंग पांड्या सर इस साल भी हमें गुजरात टाइटंस की तरफ से एज अ कैप्टन के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर नेक्स्ट आंद्रे रसल। आंद्रे रसल सर ने आईपीएल में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए अब तक कुल 48 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 36.62 की एवरेज से कुल 1342 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 8 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 88 रन का है जो कि उन्होंने नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और इसी के साथ भाई, मसल पावर आंद्रे रसल सर का स्ट्राइक रेट आईपीएल के इतिहास के डेथ ओवर में है 188.52 का। साथ ही ये चैंपियन ऑलराउंडर इस साल भी हमें केकेआर की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा और वहां पे भी ये धुआं उड़ाएगा। नंबर नेक्स्ट अंबती राइड। अंबती राइड ने आईपीएल में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए अब तक कुल 69 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 26.64 की एवरेज से कुल 1401 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 8 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 81 रन का है जो कि उन्होंने नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और साथ ही भाई, आईपीएल में अंबती रायडू सर का स्ट्राइक रेट आखिर के ओवर्स में होता है 154.39 का। साथ ही हमें इस साल के आईपीएल में भी सीएसके की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर नेक्स्ट रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा सर ने आईपीएल में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए अब तक कुल 101 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 27.62 की एवरेज से कुल 1550 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 1 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 50 रन का है जो कि उन्होंने नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और इसी के साथ भाई, इस समय इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर में से एक रविंद्र जडेजा सर आईपीएल के डेथ ओवर्स में 145.98 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, साथ ही चैंपियन ऑलराउंडर भी हमें इस साल सीएसके की तरफ से खेलता हुआ नजर आए। नंबर नेक्स्ट यूसुफ पठान। यूसुफ पठान सर ने आईपीएल में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए कुल 91 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 28.41 की एवरेज से कुल 1737 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 5 अर्धशतक और 1 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 100 रन का है जो कि उन्होंने नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और साथ ही भाई, अपने टाइम में यूसुफ पठान सर आईपीएल के डेथ ओवर्स में 153.42 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते थे, साथ ही आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी भी इन्हीं के नाम है। नंबर नेक्स्ट किलर मिलर डेविड मिलर। तो मेरे भाइयों, डेविड मिलर सर ने नंबर 7 की पोजीशन पर कभी आईपीएल के इतिहास में बैटिंग नहीं करी, इसलिए इनके ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए। तो नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन पर डेविड मिलर सर ने आईपीएल के इतिहास में कुल 71 इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 43.28 की एवरेज से कुल 1872 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 11 अर्धशतक और 1 शतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 101 रन का है जो कि इन्होंने नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और इसी के साथ भाइयों, किलर मिलर डेविड मिलर सर ने अपने आईपीएल करियर के डेथ ओवर्स में 164.62 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, साथ ही हमें इस साल गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और पिछले साल भी वैसे ही गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेलते हुए नजर आए थे और वो सीजन इनके आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट सीजन गया था। नंबर नेक्स्ट दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक सर ने आईपीएल
आईपीएल के इतिहास में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए अब तक कुल 101 इनिंग खेली हैं, जिसमें उन्होंने 27.54 की एवरेज से कुल 2033 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 8 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 69 रन का है, जो कि उन्होंने नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और साथ ही भाई दिनेश कार्तिक सर ने अपने पिछले साल के आईपीएल में अपनी फिनिशिंग से एकदम मौज कर दी थी, क्या इस साल के आईपीएल में दिनेश कार्तिक सर फिर से वो कारनामा दोहरा पाएंगे, ये देखने में काफी मजा आएगा। नंबर नेक्स्ट कैरन पोलार्ड सर ने अपने आईपीएल करियर में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए कुल 127 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 29.44 की एवरेज से कुल 2576 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 13 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 87 रन का है, जो कि उन्होंने नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और साथ ही भाई वेस्ट इंडीज पावर कैरन पोलार्ड सर ने अपने आईपीएल करियर के 10 ओवर्स में 174.52 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, साथ ही आईपीएल के अंदर अब हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से उनके बैटिंग कोच के तौर पर जरूर नजर आएंगे। नंबर 1 एमएस महेंद्र सिंह धोनी सर ने अपने आईपीएल करियर में नंबर 5, 6, 7 इन तीनों पोजीशन पर बैटिंग करते हुए कुल 115 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 40.43 की एवरेज से कुल 2882 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 16 अर्धशतक भी हैं, साथ ही इनका बेस्ट स्कोर 84 रन का है, जो कि उन्होंने नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाया। और इसी के साथ भाइयों आईपीएल के 10 ओवर्स में दुनिया के नंबर 1 फिनिशर यानी एमएस धोनी सर का स्ट्राइक रेट होता है 168.70 का, साथ ही मुझे नहीं लगता कि इनिंग को फिनिश करते हुए इनसे ज्यादा मैचेस किसी और बल्लेबाज ने इस दुनिया में जिताए हों। तो चलिए भाइयों इसी के साथ ये बात तो हो गई आईपीएल इतिहास के आज तक के सबसे खतरनाक फिनिशर्स की। इसी के साथ इस टाटा आईपीएल 2023 में आपके हिसाब से कौन होगा सबसे घातक फिनिशर, कमेंट सेक्शन में एक नाम प्लीज जरूर बता। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसके साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल देना।